After the Pulwama attack earlier in February this year, the government imposed a ban that restricted civilian movement on highways to 2 days a week. This ban was lifted after 1 month following sharp criticism. हाईवे बैन दो दिनों के लिए थी लेकिन हमारे यहाँ पे हर रोज ऐसा ही होता है मतलब कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है लोग पैदल चलने से भी डरते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ मुझे रोज़ अप डाउन करना पड़ता है यहाँ से श्रीनगर और इस हाईवे बैन की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है हम यूथ को खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हूँ आप देख सकते हैं कि हाईवे बैन ने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की है लगभग पिछले एक महीने से चल रहा है या तो मरीजों को प्रॉब्लम्स हो रही है या जनरल पब्लिक को या हम स्टूडेंट्स को क्योंकि ये जो हाईवे है ये हमारी बेसिक कनेक्टिविटी है रेस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट से और श्रीनगर सिटी के साथ भी अब आजकल हम देखते रहे कि ये जो हमारा हाईवे हर जगह चेक पोस्ट से हमें रोका जा रहा है ऐसे ही बिना किसी वजह दो दो घंटे तीन तीन घंटे रुकाया जाता है क्योंकि इनको कॉन्वॉयज को पास करना है पिछले कुछ दिनों से इन्होंने बोला है कि हाईवे बैन उठ गई है लेकिन प्रैक्टिकलिटी में हम नहीं देख सकते With the annual Amarnath Yatra that began on 2 July 2019, the security restrictions have been intensified in the valley. Restrictions on the highways have majorly inconvenienced and disrupted the everyday life of the locals. इन्फॉर्मेशन किसी के पास सही नहीं है कि आपको कैसे करना है कैसे आपको जाना है तो वो प्रॉब्लम हुई है हमें व्हाई लोकल व्हीकल्स आर नॉट बीइंग अलाउड ऑन द हाईवे बिटवीन 10 एएम एंड 3 पीएम ओइंग टू सिक्योरिटी रीजंस व्हीकल्स कैरिंग यात्रीज आर मूविंग विद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर एडिशनल बंकर्स हैव ऑल्सो बीन सेट अप अलोंग द हाईवे फ्रॉम श्रीनगर टू पहलगाम अमरनाथ यात्री जब आती थी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता था अब जब इस टाइम आ रही है 2019 में हमारा काम बहुत मुश्किल हो रहा है ये रास्ते से चलने सिविल मतलब कि सिविलियन को भी चलने नहीं देते पैदल भी चलने नहीं देते ये बिल्कुल रोड ब्लॉक करते हैं ट्रक्स कैरिंग पेरिशेबल आइटम्स लाइक टोमेटोज अनियंस फ्रूट पोल्ट्री मटन एग्स एक्सेट्रा हैव सफर्ड इमेंसली मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स रॉटिंग एंड गेटिंग स्पॉइल्ड तो हमारे आगे ये और एक चेक पोस्ट है और हमें जनरल पब्लिक को यहाँ पे रोका जा रहा है क्योंकि इनको कॉन्वॉय को पास करना था और इन्हीं चेक पोस्ट की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम में जनरल पब्लिक फंसती है और अपने कामों पे टाइम पे नहीं पहुँचती है रीजनल पार्टीज हैव कंडेम्ड द हाईवे रिस्ट्रिक्शंस बट द हरियत फ्रैक्शंस आल्सो कंडेम्ड दिस मूव एंड कॉल्ड इट अनडेमोक्रेटिक चूंकि मैं श्रीनगर में रहता हूँ तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आने जाने में क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम होता है जो ये मिलिट्री जो कॉन्वॉय की वजह से हमें रुकना पड़ता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है अब जिसकी बस सर्विस नहीं है उनको प्रॉब्लम्स फेस होती है या जनरल जो हमारे टीचर्स है बाकी सब उनको रुकना पड़ता है ट्रैफिक में जो हमारे प्रोफेसर्स है उनको ट्रैफिक में रुकना पड़ता है वो भी क्लास में लेट होते क्लासेस लेट हो जाती है तो इससे हमारी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है With increasing delays, long traffic jams and waiting periods, cancelled trains, rotting goods, missed appointments and missed classes, how much longer will the locals bear the brunt of the Pulwama attack?